हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल दिस ब्यूटी हैक्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं आपको इस चैनल के वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साइड में एक बेल आइकन आएगी वो भी प्रेस करना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले आज के वीडियो में मैं ग्लेटरी लिपस्टिक बनाने वाली हूँ सिंपल से मैथड से इसके लिए सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ ऑलिव ऑयल आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आपका मनपसंद हो यहाँ पर मैं एक चम्मच ऑलिव ऑयल लेने वाली हूँ ऑलिव ऑयल के बाद मैं इसमें बीस वैक्स मिलाऊंगी जो कि नेचुरल वैक्स होती है आपको मार्केट में मिल सकती है मार्केट में ना मिले तो ऑनलाइन ले सकते हैं एक बार लेके आप बहुत सारे स्किन और मेकअप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो ज़रा सी आपको एक चम्मच का वन बाय फोर्थ बीस वैक्स इसमें मिलाना है ये हम इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारी लिपस्टिक स्टिक फॉर्म में रहे मेल्ट ना हो तो इतना बीस वैक्स मैंने इसमें मिलाया है इसके बाद मैं इसमें कोका बटर मिलाऊंगी आप चाहें तो शिया बटर मिला सकते हैं मैंगो बटर मिला सकते हैं ना मिलाना चाहें तो स्किप कर सकते हैं ये हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि हमारी लिपस्टिक क्रीमी रहे तो इसको मिलाने के बाद हमारी लिपस्टिक काफ़ी ज़्यादा क्रीमी हो जाएगी जिससे हमारे लिप्स मॉइस्चराइज रहेंगे लिपस्टिक लगाने के बाद भी पूरी तरह तो वन बाय फोर्थ स्पून मैंने इसमें कोका बटर डाला है आप चाहें तो ज़्यादा भी मिला सकते हैं इसके बाद हमें कलर मिलाना है कलर के लिए मैंने मार्केट से ही लिया था पर्पल नेचुरल कलर मार्केट में बहुत टाइप के कलर आते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं और आप चाहें तो घर पर भी कलर बना सकते हैं कई कलर घर पर बन जाते हैं मैंने एक आई शेडो किट डाला था होममेड उसमें मैंने बहुत सारे कलर बनाए हैं और उसमें से मैक्सिमम होममेड इंग्रेडिएंट से ही बने हुए हैं तो अगर आपको कलर का आइडिया चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दूँगी या वीडियो एंड होगा वहाँ पर लगा दूँगी वहाँ से आप उस वीडियो पर जा सकते हैं जैसे आप बीटरूट पाउडर बना सकते हैं बीटरूट पाउडर से बहुत अच्छी लिपस्टिक बनती है इसके बाद आपको इसे मेल्ट करना पड़ेगा ताकि जो भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं जैसे कोका बटर बीस वैक्स वो मेल्ट हो जाए मेल्ट आप माइक्रोवेव या डबल बॉयलर मेथड से कर सकते हैं डबल बॉयलर मेथड में आपको गैस पे एक बर्तन में गर्म पानी रखना है उसमें ये बाउल रख दें या फिर स्टील का रख दें कांच का टूटने का डर हो तो फिर ये मेल्ट हो जाएगा गर्म पानी से आपको डायरेक्ट हीट नहीं देनी है इसे गैस पे इसके बाद मैं इसमें पर्पल कलर का ग्लिटर डाल रही हूँ और जो कलर मैंने डाला था वो काफ़ी डार्क कलर था पर्पल तो मैंने बहुत ही हल्का सा डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा लाइट कलर चाहिए था तो आप ऐसे कलर्स एक कलर से बहुत टाइप की लिपस्टिक भी बना सकते हैं कम ज़्यादा डाल के या फिर उसे डिफरेंट कलर के साथ मिला के जैसे भी कलर आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं तो मैंने ज़रा सा कलर डाला था क्योंकि मुझे उस कलर से हल् थोड़ा सा हल्की लिपस्टिक चाहिए थी इसलिए हल्का सा डाला था तो बस इसको हमें मिलाना है फिर आप कोई पुराना लिपस्टिक कंटेनर ले लीजिए अपना या फिर मार्केट में लिपस्टिक कंटेनर भी मिलते हैं ऑनलाइन भी मिलते हैं आप वो ले सकते हैं मार्केट में थोड़ा बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं कंटेनर खाली टाइप तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आपकी जो भी लिपस्टिक ख़राब हो गई है या ख़त्म हो गई है या आपको पसंद नहीं है उसका कंटेनर आप ले सकते हैं इसके बाद इसमें भर देना है आपको कुछ टाइम के लिए इसे रखना है ताकि लिपस्टिक जम जाए आप चाहे तो फ्रीजर में भी रख सकते हैं या फिर नॉर्मल भी रख सकते हैं ये जम जाएगा कुछ टाइम में बीस वक्स के कारण खुद ब खुद और हमारी लिपस्टिक तैयार हो जाएगी तो मैंने ग्लिटर डाला था मुझे ग्लिटरी लिपस्टिक चाहिए थी इसलिए आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना बाय बाय